हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार, हम लोग रेशियो सीख रहे हैं, रेशियो का कुछ टॉपिक सीखे हैं। उसी के क्रम में आज टाइप फोर का कल एक क्लास सीखे थे, आज ये अगला क्लास है। ऐसे टोटल क्लास ये 11वां क्लास चल रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। तो बताना है ए का पावर फोर है, रेशियो बी का पावर फोर कितना होगा। ऑप्शन भी दिया गया है, इसमें से बनाना है क्या होगा ऑप्शन। तो चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। जब इसको देखिएगा ध्यान से, तो कल तो बताए थे क्या कि जब आपको अनुपात में मान दिया हुआ रहे और अनुपात में ही पूछे तो डायरेक्ट अनुपात से मान पुट कर देते थे और बना देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ खास है, ये क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। कैसे, इसको देखिए, ए रेशियो बी है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं। बी बाई सी है, बी रेशियो सी है तो बी बाई सी इसको लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो ए में सी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा, बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस गुना कर लिए। अब यहाँ पर एक वैल्यू निकल गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लाएंगे, इसको तोड़ते हैं तो क्या करेंगे, इसको ए का स्क्वायर कर देते हैं। तो ए का स्क्वायर घातांक करने में पढ़िएगा, ये दोनों गुना हो जाता है, दो दुना चार, मतलब ए का पावर चार यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इसको हम केवल तोड़ के लिख रहे हैं ना, सिंप्लीफाई के रूप में। इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो इस तरह से बी का स्क्वायर हो गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये जो है बी स्क्वायर का मान आया है, ये मान को इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ तो ऐसी रहेगा, इसका मतलब इसका दो बार गुना है आपस में, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर कर लिए, रेशियो है तो रेशियो कर लिए, आ इसका मान यहाँ पर पुट कर दिए, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर होल स्क्वायर है, इस पर होल दोनों पर स्क्वायर। अब इसको अलग कीजिएगा तो एक बार और लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कटता है रेशियो तो काट दिए, जैसे इससे ही कट गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये है तो आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया क्या, ए स्क्वायर और रेशियो सी स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, पहले इस तरह से बटा के रूप में लिख लेंगे, फिर क्रॉस गुना कर लेंगे, ये बी स्क्वायर का मान हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ के लिख लिए, ए स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए, यहाँ पर ये बी स्क्वायर का मान सिर्फ लगा दिए और इसको सॉल्व कर लिए, ऑप्शन हम लोग का आ गया, आंसर भी आ गया। अब यहाँ से ये जो चार पाँच क्वेश्चन है अनुपात का ही है, लेकिन इसका थोड़ा नाम अलग अलग है। जैसे यहाँ पर क्या है, वर्ग अनुपात, या इसी को बोलते हैं द्विघाती, इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, इसका फिर अलग नाम है वर्ग मूलानुपात, फिर अगला का है घनानुपात। तो ये सब को देखते हैं बारी बारी से। चलिए समझिए, कह रहा है ये रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 का वर्ग अनुपात या द्विघात अनुपात, द्विघाती अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बताना है। तो पहले से जानते हैं वर्ग किसको कहते हैं, तो किसी भी संख्या को, जैसे कि यहाँ पर 3 है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते थे तो वर्ग निकल जाता है। जैसे 3 का कहेंगे वर्ग निकालिए तो 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 9, तो 3 का वर्ग बोलते हैं 9। उसी तरह से क्या कह देते हैं, ए में ए से अगर गुना कर देंगे तो ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर। उसी तरह से बोलिएगा, एक और देख लीजिए, 5 का कहेंगे कि वर्ग बताइए, वह 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 हो गया एक संख्या, 5 में 5 से गुना कर देंगे अर्थात 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कहेंगे 5 का जो वर्ग होता है 25 होता है। तो ये भी वही बात है, यहाँ पर वर्ग अनुपात खाली लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ द्विघाती अनुपात कर रहा है, द्विघात मतलब कोई भी इस पर 2 घात पावर चढ़ा देंगे तो हो जाएगा द्विघाती। ये 3:4:5 है, इस पर या तो 2 पावर चढ़ा दीजिए आ नहीं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। वर्गानुपात का मतलब हुआ इस संख्या का स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कर दीजिए आ नहीं तो द्विघात, मतलब 2 घात चढ़ा दिए, 2 घात सब पर चढ़ा दिए, तो यही हो गया, इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। चलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 9, 16, 25 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। और इसी का ये उल्टा है एक तरह से, ये है वर्ग मूलानुपात, ये क्या है, वर्ग मूलानुपात सब
डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या करेंगे, तो देखिए कोई भी संख्या का जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 49 लिखे का है कि 49 का वर्गमूल बताइए, क्या बोलते हैं 49 का वर्गमूल बताइए, तो 49 लिखते हैं, 49 तो लिखा है, इसका अंडर रूट कर देते हैं, इसमें से जो निकल के बाहर आता है, जैसे यहाँ 7 निकल के आया, तो कहते हैं 49 का वर्गमूल है 7, क्या बोलते हैं 49 का वर्गमूल है 7। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 81 लिखे, कहेंगे 81 का वर्गमूल बताइए, तो 81 का वर्गमूल 81 तो लिखेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा, इसको बाहर निकालते हैं तो 9 होता है ना, तक बोलते क्या है 81 का वर्गमूल है 9। तो यहाँ पर इसका क्या कह रहा है, इतना रेशियो का है ना वर्गमूल अनुपात निकालिए, यहाँ से यहाँ तो अनुपात है ये है, आई वर्गमूल यहाँ से यहाँ तक, इसको तोड़िएगा अपने समझ में आ जाए। तो इस सब का क्या करेंगे, 81:256:121 आ वर्गमूल अनुपात, मतलब सब पर क्या चढ़ाना है, अंडर रूट चढ़ा दीजिए, इस पर अंडर रूट लगा दीजिए, इस पर भी लगा दीजिए, इस पर भी लगा, इसमें से बाहर निकालिएगा तो 81 से बाहर निकलेगा 9, 256 से बाहर क्या निकलेगा, 256 से बाहर निकलेगा 16, तो 16 लिख लेंगे यहाँ पर, 121 के बाहर क्या निकलेगा, तो 11 निकलेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ऑप्शन नंबर कौन मिल गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी, 9, 16, 11, इस तरह से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझे होंगे, अब इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसका समझ गए, ये समझ गए वर्गानुपात लिखा हुआ है तो वर्ग कर दे रहे हैं, वर्गमूलानुपात है तो इसका अंडर रूट कर लेते हैं, आई घनानुपात है या त्रिघाती, मतलब 3 घात लगा दीजिए या इसका घन कर दीजिए, किस संख्या का घन कर दीजिए, घन का मतलब क्यों होता है, जैसे 2 का घन कर दीजिए तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, तो बारी बारी से सबका कर लीजिए, 2 है रेशियो में 3 है रेशियो में 4, घनानुपात मतलब इस पर घन चढ़ा दीजिए, मतलब क्यू पावर चढ़ा दीजिए, या त्रिघाती मतलब 3 घात के रूप में 3 चढ़ा दीजिए, 3 चढ़ाए हुए है ना, इंग्लिश में ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 लिख लेंगे, यहाँ 9 का 3 का क्यू है, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, 27 लिख लिए, 4 का क्यू तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, तो ये हम लोग का रेशियो आ गया 8, 27, 64, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए। इस पर ये हो गया, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2:3:4 का विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपात, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं है ना, इन्वर्स या रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं, तो किसको क्या करेंगे, विलोमानुपात, विलोम का मतलब सब लोग जानते हैं, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द होता है ना, तो उल्टा तो मैथ में भी उल्टा होता है, तो जैसे मैथ में कैसे उल्टा होता है तो समझिए, अगर कहीं 2 लिख दिए, कहेंगे 2 का इन्वर्स बताइए या उल्टा बताइए, तो 2 का उल्टा होता है 1/2, क्या होता है 2 का उल्टा 1/2, कहीं लिख दिए 3, 3 का बोलेंगे इन्वर्स बताइए चाहे उल्टा बताइए या व्युत्क्रमानुपाती बताइए, तो क्या बोलेंगे 3 का उल्टा 1/3 बोलेंगे, उसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा 1/3 तो इसका उल्टा क्या बोलेंगे 1/3 का उल्टा बोलेंगे, कितना 3, तो आप समझ गए होंगे कि उल्टा बताना है ना, इतना का विलोम अनुपात, मतलब इसको तो बताना है अनुपात में लेकिन विलोम करके बताना है, उल्टा करके बताना है, तो 2 है तो 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, अभी बताए हैं रेशियो, फिर 3 है तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, विलोम तो लिख लिए, ये रेशियो भी लिख लिए, लेकिन ऑप्शन में हम लोग को आंसर नहीं आ रहा है, ये नहीं ना आ रहा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले बताए हुए, जब आपको भिन्न के रूप में आ जाएगा रेशियो, ये भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है, अर्थात भिन्न के रूप में है, तो इसका क्या करेंगे, हरों का एलसीएम ले लेंगे और सभी पद में गुना कर देंगे, इसका 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया हम लोग का 12, तो 12 से सब में गुना कीजिएगा, तो जब 12 से इसमें गुना करते हैं तो 2 से 12 कट जाता है 6 बार में, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 12 से जब गुना करेंगे तो 3 से 12 कट जाता है 4 बार में, तो 4 आंसर यहाँ हो जाएगा, यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो हम लोग का 3, तो यही आंसर आ जाएगा है ना, आंसर हो जाएगा 6:4:3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कल ही तो मिटाने बोले,
अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर फिर से बनाते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 2:3 कॉमा है 4:5 तथा 3:5 का मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो क्या होगा। ये सारा का मतलब एक ही होता है, लेकिन इसका मिश्र अनुपात भी बोलते हैं, इसको जटिल भी बोल सकते हैं, और इसी को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3:3 है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। अगर ये तीनों में से कोई भी शब्द रहेगा, निकालना रहेगा, तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 2:3 है, अगला है क्या 4:5 है, अगला है 3:5। अगर जटिल अनुपात कहेगा या मिश्र अनुपात, तो क्या करेंगे, शुरू का सब रेशियो का जो पहला पद है उस सभी को आपस में गुना कर लीजिएगा, और दूसरा का पद है उसको आपस में गुना कर लीजिएगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो 2×4×3 कितना होगा, 3। शुरू में 2 है, 4 है और इसमें 3 है, और रेशियो लगा देंगे यहाँ पर 3 है, 5 है, 5 है, तो 3 है गुना 5 है और गुना 5 है, तो ये रेशियो हो गया, यही हम लोग का आंसर आएगा। ऐसे रेशियो कट रहा है 3 से 3, तो काट दिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2×2 = 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25। इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसको आप लोग फिर से एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा कुछ, तो हम बनाएंगे। ए रेशियो बी दिया हुआ है 1/2 1/3, फिर क्या कर रहा है, बी रेशियो भी दिया हुआ है, अभी आपसे ये पूछ रहा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी के का मान क्या होगा। तो देखिए वहाँ तो है ए बी का मान, अगर पता रहेगा उसमें पुट कर देंगे, रेशियो में मान दिया हुआ है वहाँ पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले लाएंगे, तो यहाँ देखिए एक तो आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो भिन्न को आप सिंपल फॉर्मेट में बदलिएगा। देखिए बदलने का रूल पहले से जानते हैं, या तो आप क्रॉस कर लीजिए तब भी बदल जाएगा, नहीं तो कहेंगे हरों का एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया, 3×2 का एलसीएम 6 हो गया, 6 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, 3 बार में ही 2 बार में। ए बी का रेशियो इस तरह से लिख लिए, फिर बी सी का भी रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 15 एलसीएम हो जाएगा 5 का और 3 का, जब 15 से गुना कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, फिर 15 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 से 5 बार में कट जाएगा। तो ए बी का यहाँ बी सी का यहाँ भी रेशियो लिख लिए। अब बी का मान अलग अलग ना है, दो जगह है रेशियो अलग अलग है मान, तो क्या करेंगे, इसको एक तरह का मान बना देंगे, एक जैसा मान बना देंगे। तो इसमें 3 से गुना कर दिए, इधर भी 3 से कर दीजिए, बी यहाँ पर 2 से गुना कर दिए तो 2 से इधर भी, अब बी दोनों जगह समान हो गया, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 हो गया, तो बोलेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब ए बी सी का मान सेपरेट में यहाँ था, लेकिन बी का मान अलग अलग था, अब एक ही वैल्यू सबका हो गया, ए का वैल्यू 9, बी का हो गया 6, सी का 10, उसमें मान पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ए के जगह पर कितना डालेंगे, 9, बी के जगह पर 6, रेशियो है तो रेशियो, बी के जगह पर 6 और सी के जगह पर 10, इसको जोड़ लीजिए 9×6=15 हो गया, इसको जोड़ लीजिएगा तो 16 हो गया। तो यही हम लोग का आंसर आएगा, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, 15:16। क्वेश्चन नंबर ये वैसा ही है। तो यहाँ पर रेशियो देखिएगा लिख रहे हैं, ए बराबर 2 मान लीजिए, बी बराबर 3 कर दीजिए, ए का रेशियो कितना है, ए बी का रेशियो हो गया 2:3, अब बी सी का कितना हो गया, 4:5, इसी तरह से इसको कर लीजिए, लेकिन बी का अलग अलग वैल्यू है, तो पहले तो समान कर लीजिए वैल्यू, तब उसमें मान पुट करेंगे। यहाँ समान करने के लिए इसका एलसीएम हो गया 12, 4 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा और 4 से इधर भी, 3 से इधर भी, 3 से इधर भी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब यही मान उसमें पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं पुट, ए के बराबर क्या लिखेंगे, 8, बी के जगह पर 12,
उसी तरह बी के जगह पर 12 लिखेंगे, सी के जगह पर 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 20, और इसको जोड़ दीजिएगा ये हो गया 27। तो ऑप्शन नंबर कितना में, डी में ये है, तो हम लोग का ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये अंतिम क्वेश्चन है, देखेंगे इसको भी। ए रेशियो ए प्लस सी का मान निकालना है, तो यहाँ पर तो रेशियो दिया हुआ है ए बी का, अब बी सी का यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए बी यहाँ पर 4 दे रहा है, बी यहाँ पर 6 दे रहा है, तो बी को दोनों जगह समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए इस 4 का 6 का एलसीएम हो गया 12, 12 इसको भी पूरा कर दिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 12 इसको पुराने के लिए यहाँ 3 से गुना कर दिए, 3 से यहाँ कर लीजिए। आप बोल सकते हैं ए बी सी का रेशियो, क्या चीज़ का, ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:12:10, 9 यहाँ का, 12 यहाँ का, 12 यहाँ है, ये है बी का मान, और ये हो जाएगा 10। अब यही मान उसमें पुट कर लीजिए, कहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए। ए के बराबर में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, रेशियो है तो रेशियो, ए के जगह पर फिर 9 लिखना है, और फिर सी के जगह पर 10 लिखना है, इसको जोड़ लीजिए, 9:19 कितना हो जाएगा, 19, 9:19 ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए है, तो ये बोर्ड पर तो संभव उतना है नहीं क्वेश्चन लिख के बताना, तो आप लोग ऐसे चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग केवल कंसेप्ट और कुछ अभ्यास क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है।